नमस्कार, कक्षा 6 एक्सरसाइज 3.3 इसका छठा प्रश्न है। राइट ए डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स सो दैट द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 11। बच्चों, हमें एक नंबर दिया है तो उन्होंने कहा है कि ब्लैंक स्पेस में कौन सा डिजिट आएगा ताकि ये जो नंबर है 11 से भाग हो जाए। अब मैं क्या करता हूँ, इस नंबर को दोबारा लिखता हूँ 9 2-3 8 9। ठीक है बच्चों, और इसकी जो खाली जगह है उस पर मैं लिखता हूं x। अब बच्चों, 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट तो आपको याद होगा, याद है बच्चों, इसमें हमने पेयर बनाए थे। तो देखो, 9 का पेयर 2 को छोड़कर आगे x से बनेगा और आगे 3 को छोड़कर फिर 8 से बनेगा। ठीक है बच्चों, तो हम लेफ्ट साइड पर हमारे पास जो संख्या आएगी वो आएगी 9 प्लस एक्स प्लस 8। और यदि आप राइट साइड पर देखें तो राइट साइड पर देखिए, 9 छोड़ दो, 2 इसके साथ ऐड होगा, ये 3 उसके साथ ऐड होगा, ये 9, एक एक छोड़कर। इसी तरीके से हम बेटा पेयर बनाते हैं ना, तो राइट साइड पर हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 9। यदि इन दोनों को प्लस करें तो बनता है 9 8 17 प्लस x। इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास आता है 9 3 12 और 2 14। ठीक है बच्चों, अब जो हमारा 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट का तरीका था वो क्या था, हम इन दोनों को माइनस करते थे और वो जीरो होना चाहिए या 11 के पहाड़े में आना चाहिए। तो ये है 17 प्लस एक्स, इसमें से माइनस कर दो, ये 14, ये जीरो होना चाहिए तभी 11 के पहाड़े में आएगा, तभी 11 से डिविजिबल होगा। तो 17 प्लस एक्स माइनस 14 बराबर जीरो, इसे हम हल कर लेते हैं। लेकिन यदि इसे हम हल करें बच्चों, तो आपको यहाँ यह समझना होगा, 17 में कुछ भी प्लस करेंगे और उसमें से 14 माइनस करेंगे तो वो जीरो आ ही नहीं सकता। इसलिए हम यहाँ जीरो के बजाय दूसरी कंडीशन क्या थी कि या जीरो होना चाहिए या 11 होना चाहिए, तो हम जीरो तो नहीं ले सकते, हम 11 लेते हैं। तो हमारे पास बन जाएगा 17 प्लस एक्स माइनस 14 बराबर 11 बराबर 11। तो आइए देखते हैं इसे हल करके। 17 में से 14 माइनस किए 3, तो x प्लस 3 बराबर 11, x बराबर 11, 3 इधर प्लस हो रहा उधर आके हो जाएगा माइनस, तो x आ गया 8। x कितना आ गया 8, यही x का मान है जो इस खाली स्थान पर आएगा। ठीक है बच्चों, हमने यहाँ पे 0 या 11 लेना था ना, हमने यही कहा था कि या 0 हो सकता है या 11, लेकिन 0 हम क्यों नहीं ले सकते। देखिए, 0 क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि यह है x, ये 17 में प्लस होगा, तो 17 में एक नंबर प्लस होगा, उसमें से 14 माइनस करने पे 0 तो आ ही नहीं सकता ना, है ना, इसलिए हमने यहाँ पे 11 लिया। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आया होगा, ये प्रश्न आपको समझ आया होगा। कुछ नहीं है, हमें बोला गया था खाली स्थान में क्या आए, इस खाली स्थान पर क्या आए ताकि यह पूरा 11 से भाग हो जाए। हमने जैसे 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट करते हैं बिल्कुल सेम तरीका अपनाया, इसमें से ये माइनस करा तो हमें पता है कि या 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए। तो हमने देखा कि 0 तो आ नहीं सकता, इसलिए 11 लिया, 11 लेने से हमारे पास जो x का मान आया है वो आया है 8। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आया होगा, समझ आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।